बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जे जे अलाइड लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया था और उनको नहीं पता कि टेस्ट कैसे देना है, कैसे लॉग इन करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें डिस्कस की जाएंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए, और ये भी बताया जाएगा कि टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे, कितने टाइम में कवर करने होंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है और किस टाइप के एमसीक्यूज होंगे, ये सारी बातें बताई जाएंगी। और कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की स्कॉलरशिप, जॉब और साथ में आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर की जाए। अब हम बात करते हैं जे जे अलाइड लैपटॉप के हवाले से। सिंपली आपने गूगल पे जाना, जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है जी जे अलाइड। जैसे आप यहाँ पे ये लिखेंगे तो आपके सामने ये बता दूंगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगी उनकी वेबसाइट। तो आपको ये बता दूं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों को नंबर पर मैसेज आ चुका है, ठीक है, कि उनका टेस्ट कल किस टाइम होना है, 24 तारीख को किस टाइम होना है। तो आपने यहाँ पे सिंपली जैसे जे जे अलाइड लैपटॉप की स्कीम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक है फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपको बताया गया है प्रॉपर प्रोसीजर कि आपका टेस्ट जो है वो 24 जनवरी को है और आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके आपके जो पास एमसीक्यूज होंगे वो आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे, जो टाइम होगा आपके पास 60 मिनट होगा। 60 मिनट के अंदर आपने 100 एमसीक्यूज क्लियर करने हैं अपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट जो है हमारे 3 फेजेस में होगा। 3 फेजेस का मतलब है कि मैट्रिक, बैचलर एंड इंटरमीडिएट के, मैट्रिक बैचलर एंड इंटरमीडिएट की बेस पे होगा। अब बात करते हैं 3 फेजेस पे होना क्या इनका टेस्ट भी सेम डेट पे होना है? नहीं, टेस्ट इनका सेम डेट पे होगा बट टाइम डिफरेंट है। मैट्रिकुलेशन का जो टेस्ट होगा वो 9 से 10 है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट क्या है वो सेकंड फेज में आएगा, वो 10 to 11 है, और थर्ड फेज हमारे पास आता है 11 to 12, वो हमारा आता है FS, जो हमारे बैचलर की फेज है, ठीक है। होप्स हो कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब बात है कि कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है कि उनका नाम अंदर लिस्ट में है या नहीं है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट हैं, 2561 इंट्रीज यहाँ पे ऐड हैं और आपको नहीं पता चल रहा। आप अगर आपने स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पता चलना है, यहाँ पे आके 3 ऑप्शंस हैं, आप मैट्रिक में हैं, बैचलर में हैं, आपने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है। आगे टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपका टेस्ट कैसा होगा यहाँ पे आके जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यूज योर गूगल अकाउंट टू साइन इन फॉर ऑनलाइन टेस्ट जी जी अलाइड लैपटॉप सर्विसेज। आपको अपने गूगल अकाउंट को यहाँ पे यूज करना है ताकि आपका जे जे अलाइड का जो है टेस्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, कुछ लोगों को पासवर्ड आया है, कुछ लोगों को दूसरा मैसेज आया है, ठीक है, नंबर पे कि आपका ये है, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो बता दूंगा कि आपको दूसरा जो नंबर पे पासवर्ड है, SMS अलर्ट की तरफ से एक मैसेज आया होगा आपको। अगर कुछ लोगों को रिसीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इजिली अपना नेम चेक कर सकते हैं। लाइक अभी मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर सर्च करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आके मुझे कोई भी नहीं शो हो रहा, ठीक है, नो मैचिंग रिकॉर्ड फोन, ठीक है। लाइक अभी मोहम्मद मुदस्सिर यहाँ पे मैं स्पेलिंग यहाँ पे ही देखे, यहाँ पे ये मेरा नेम है, आईडी कार्ड नंबर मेरा और सारा बैचलर की बेस पे मेरा टेस्ट होगा। यहाँ पे एरिया आपका बताया गया, भावनगर का बताया गया, यहाँ पे आके आप अपना चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, जेंडर, वे फॉर्म, CNIC, ठीक है, एड्रेस, सिटी आपका आ गया। उसके बाद आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आके आपको और भी लास्ट डिग्री भी शेयर की जा रही है, यहाँ पे टोटली आपके सामने सारा शेयर कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एंट्रीज जो टोटल थी मोहम्मद मुदस्सिर के नाम से वो 10 है, आप देख सकते हैं, आपको सारी बात समझ आ चुकी है। अगर आपको मजीद भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का नाम नहीं आता, नाम से उन लोगों ने स्पेलिंग गलत दिए होते हैं, यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड सर्च करता हूँ, ठीक है, आईडी कार्ड के थ्रू सर्च कर लेता हूँ, 498, ठीक है, यहाँ पे देखिए आईडी कार्ड के शुरू में सर्च करूंगा तो मेरा ये नेम आ रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपका आईडी कार्ड नंबर जो है आप उसकी बेस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको शेयर हो जाएगा कि आपका आईडी कार्ड किस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होप्स हो कि आपको इजीली मैनेज हो जाएंगी आपके लिए। तो होप्स हो कि यहाँ पे जो आपका जो प्रोसीजर है प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। जब आपने कल टेस्ट देना है, यहाँ पे आके टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिफोर द ऑनलाइन एग्जाम प्रिपेयर, ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीड एंड अंडरस्टैंड द टेस्ट गाइडलाइन, नो द टेस्ट फॉर्मेट, टेस्ट योर सेल्फ, चेक योर कंप्यूटर, स्टडी द क्लास मटीरियल, ठीक है। अपने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज करके रखनी है और आपको मेन बातें जो बता दूं, आपके पास इंटरनेट की स्पीड
अगर आपके पास लैपटॉप है उसकी जो सारी सर्विसेज हैं आपके पास वो मैनेज होनी चाहिए, ताकि आपका कोई मौके के तौर पे आपका लैपटॉप जो है वो ख़राब ना हो जाए, या कोई कंप्यूटर है उसकी बैटरी डाउन ना हो जाए, इस तरह का प्रॉब्लम है वो आपको मैनेज करना होगा। तो होप सो कि यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, और इस तरह की मजीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है वो आपके आपको पेश ना आए। जजाकल्ला शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.